हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं घूमने के लिए। तो आप लोकेशन देख रहे होंगे, शायद आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि मैं कहाँ घूमने आया हूँ। मेरे पीछे देखिए, आपको दिख रहा होगा कुछ। तो अगर आपको पता चल गया ये कौन जगह है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये चांडिल डैम है, जो कि झारखंड का जमशेदपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर पड़ता है। तो एक वाटर रिजर्वर है यहाँ पर, एक मतलब पीछे, ये तो नीचे साइड है, उसके ऊपर साइड हम जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पानी, अब पानी छोड़ दिया गया है डैम में, वो पानी अभी फ्लो हो रहा है यहाँ पर। तो देख सकते हैं ये है नीचे का चांडिल डैम का नीचे का पार्ट है ये, और पानी 1, 2, 3, 4 गेट को खोला गया है। और 4 गेट को खोल करके ही देखिए आप पानी का जो बहाव है कितना बह रहा है यहाँ पर। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते बहुत ही बड़े जगह है। मैं ये दूसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन मैं नीचे साइड पहली बार आया हूँ। ऊपर की तरफ मैं पहले आ चुका हूँ, और नीचे आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर उधर देख सकते हैं डैम के एक तरफ पहाड़ है, मतलब ये पहाड़ के बीच में, दो पहाड़ के बीच में एक पहाड़ है और एक पहाड़ इधर दिखाता हूँ आपको। देखिए एक पहाड़ इधर है, तो दो पहाड़ के बीच पे ये डैम को बनाया गया है। और ऊपर जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा है, आप देखेंगे तो आपको देख के बहुत आनंद आएगा। और नीचे देखिए, नीचे भी देख सकते हैं ये पूरा पानी कितना तेज बह रहा है। हालांकि नीचे उतना पानी है, लेकिन पानी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे अगर आप गिर जाते हैं तो। ये पुल है एक, शायद ये दो, उधर एक बस्ती है, उधर बस्ती शायद जोड़ रहा होगा दोनों को। ये छोटा सा पुल बनाया गया है, लगभग दो गाड़ी पार हो जाएगा आराम से आपका। और कुछ यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह भी आए हुए हैं जो कि वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और ये पुल के दूसरे साइड है, ये निचले साइड में, इधर से फिर पानी जा करके उधर आपने नदी छोड़ने रेखा नदी में शायद मिल जाता होगा। ये साथ में हमारे साथ कौन है देखो, साथ में फैमिली आया है, हम मेरी मिसिस और मेरा बेटा है साथ में। अवड़ा तो गाइस, आप लोग कौन कौन यहाँ चांडिल डैम आए हुए हैं प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और आप लोगों को कैसा लगा होगा वो भी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएंगे। और जिन लोग अभी तक नहीं आए यहाँ पर चांडिल डैम, तो मैं जमशेदपुर से उसका लोकेशन मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप उसको फॉलो करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। आसपास के जितने रांची के मेरे सब्सक्राइबर है, और इधर के आपके धनबाद तरफ के या बोकारो साइड के जो पास पड़ता है इनका, अगर आप कभी यहाँ आए नहीं हैं तो बिल्कुल ज़रूर एक बार यहाँ पर आइए और इस जगह का देख करके तो आनंद लीजिए, और हमारे झारखंड का पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाइए। अभी हम नीचे से अभी ऊपर की ओर जाएंगे और वहाँ का आपको सीन दिखाएंगे कैसा है। तो अभी, लेकिन अभी पहले थोड़ा मौसम अभी छाँव था, अचानक से अभी बहुत तेज़ हो गया और ज़्यादा अभी धूप में ठीक लग नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह जब निकले थे हम तो उसमें बहुत बादल था, मतलब बहुत क्लाउडी वेदर था और घूमने लायक बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी अब लगता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया यहाँ पर,
ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया और धूप भी थोड़ा तेज़ हो गया, तो अब मन नहीं कर रहा यहाँ पर थोड़ा रहने का। अब देखते हैं ऊपर किस ओर जाएंगे, वहाँ पर कुछ स्नैक्स वगैरह का ये भी है, शॉप भी है, तो कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। कहते ऊपर की ओर मिलते हैं आपसे। तो अभी हम डैम के ऊपर में है, चांटिल डैम के ऊपर में, और अब इधर देखेंगे तो ये नीचे का है, जहाँ हम लोग नीचे गए थे पुल पे, देखिए दिखा कर हो गया। मेरे पीछे देखिए, मेरे पीछे ये जो है नीचे का जगह है, जो पुल, हम अभी पुल के ऊपर में है, और ये हो गया मेरे आगे जो है वो मेन डैम है। पीछे वो दिख रहा है, ये मेन डैम है ये, और यही है नीचे, हम उसके बाद जाएंगे आगे तरफ, तो बोटिंग एरिया है ये, मेन है आपका पुल है, मतलब ब्रिज बना हुआ जो होता है डैम वही है। तो ये डैम बहुत ही बड़ा, आप देख सकते, बहुत बड़ा है ये, और ये सिर्फ कहीं नदी से नहीं बह के आ रहा है, जो आसपास का पानी इधर उधर बह के आ करके यहाँ आके जम जाता है, यहाँ आके बैठ जाता है। देखें पहाड़ वगैरह से पानी जो बरसात में आकर के यहाँ पर रुक जाता है, वही पानी यहाँ पर भर जाता है पूरा। ऐसा ही नज़ारा एक ब्रूडी डैम में भी है, कभी ब्रूडी डैम जाएंगे तो आपको वहाँ का भी सीन दिखाएंगे। बीच में एक आइलैंड जैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखाता हूँ, बीच में आइलैंड जैसा है। मेरे साथ दृश्य है, और इसको कैप पहना रहा हूँ लेकिन कैप नहीं पहन रहा है, बार बार अपना देखिए एकदम बदमाश कर रहा है। और क्या बोल रहे हो, हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो, हेलो गाइस, हेलो गाइस, बोलो बोलो। तो सुबह का मौसम बहुत बढ़िया था, अभी चिलचिलाती धूप हो गया, एकदम ठीक नहीं लग रहा, अब ऐसा लग रहा कि जल्द से जल्द यहाँ से निकले, लगता है शाम को आते तो ठीक रहता है, लेकिन आज मौसम सुबह का ठीक था, अभी उसके बाद फिर अचानक से चेंज हो गया। तो आगे हम जा रहे हैं, ये हो गया देखिए डैम, जो डैम बना हुआ उसका रास्ता है, और आगे जो मेन गेट है उसका वहाँ पर है। यहाँ लिखा भी देखें, यहाँ पर क्या लिखा, नो पॉलीथीन जोन, आप यहाँ कभी आए तो कृपया पॉलीथीन वगैरह यहाँ पर लेके यहाँ पर गंदगी ना करें। और इधर पर पहाड़ है देखिए, हमें इसे बोला आपको, दो पहाड़ के बीच में ये बनाया गया है, देखो बाबू, खड़ा हो गया दृश्य, देखो हाँ दृश्य, पूरा नजारा देख रहा है, दृश्य देख रहा है, दृश्य देख रहा है।
तो अभी हम डैम के ऊपर साइड जो है, अभी वहाँ बोटिंग होता है वहाँ जा रहे हैं। तो ये है रास्ता, कुछ नहीं, कुछ फोर स्टॉल भी लगा हुआ है इधर साइड, दोनों साइड ही है। ऊपर मैंने वीडियो नहीं लिया, उधर भी मतलब ऊपर भी है, ये बहुत सारा दुकान में आपको सब कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ मिलना कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो अभी थोड़ा देर पहले ही यहाँ बारिश गिरा, तो हम शेड में वहाँ पर बैठ गए थे। आप देख सकते हैं अभी अब मौसम और दोबारा से सुहाना कर गया, बिल्कुल डाउडी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है अब देखने में। देख सकते हैं बादल पूरा दिख रहा है यहाँ पर और पानी बिल्कुल नीचे में, देखिए यहाँ पर। और यहाँ बोटिंग का भी सुविधा है, ये बोटिंग हो गया, यहाँ बोटिंग कर रहे, देखिए यहाँ पर बोटिंग वगैरह हो रहा है, यहाँ पर स्टीमर टाइप का है। अब बिल्कुल अब मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है, अब ऐसा मौसम में घूमना ही अच्छा लगता है। धूप हो गया था शायद इसीलिए, बारिश की वजह से ही धूप हो गया था अभी, लेकिन अच्छा लग रहा है। और आगे उधर भी कुछ मछली पालन का कुछ सब बनाया हुआ है वहाँ उधर में, और कुछ एक दो तीन हंस भी है। और ये नीचे की ओर जा रहे थे, और देखिए वहाँ पर कुछ हंस वगैरह, क्या बोलते हैं इसको, हंस जैसा है वो है, ये रहा।